हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक साइंस। पिछले वीडियो में मैंने इसका वीडियो छोड़ा था, शॉर्ट वीडियो, एक्सप्लेनेशन बाकी है। तो अभी स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन को, और इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम, क्यों बनाया इसको, इसका रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा मेरे को, इस बारे में हमको आज हम बात करेंगे। देखते रहिए। तो ये एक मल्टी फंक्शन स्विच का प्रोजेक्ट है। पावर ऑफ ऑन करने के लिए और फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए एक ही की है। अब देखते हैं, लॉन्ग फ्रेज में ऑफ होता है, लॉन्ग फ्रेज में ऑन होता है। फिर हर एक आउटपुट को सिलेक्ट करने के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग, मतलब क्लॉक पल्स के ऊपर ही सिलेक्ट होता है। तो देखते हैं, फर्स्ट लॉन्ग फेस करने के बाद ऑन होता है। अब जो ऑफ कंडीशन में है, इधर दिख रहा है ऑफ इंडिकेटर अभी चल रहा है, ये वाला ऑन इंडिकेटर है। तो लॉन्ग फेस करने के बाद क्या होता है, लॉन्ग फेस कर दिया, अभी ऑफ कंडीशन में है, अभी ऑन कंडीशन हो गया, इंडिकेटर ऑन हो गया है। इधर के इधर क्लॉक जनरेटर है, ये वाला पोर्शन का क्लॉक काउंटर है। इस काउंटर में दो रजिस्टर हैं, ए और बी। ये डिकोडर है, ये पीकॉन पावर कंट्रोल है, और माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर पड़ा है। तो पी कंट्रोलर एक पावर कंट्रोल होता है जिसका रजिस्टर सी है। ए वाला काउंटर का दो रजिस्टर है, ए और बी। वैसे भी उस टाइप का एक पावर कंट्रोलर का सी एक रजिस्टर है। इधर T1 और T2 टाइमर इंडिकेटर है। ये ओवरऑल पूरा सर्किट इधर का टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट है। इधर से पूरा कंट्रोल सिग्नल पूरा सर्किट में जाता है, ठीक है। X1 को सिलेक्ट करने के लिए X1 को सिलेक्ट करने के लिए दो बार दबाना पड़ता है, एक दो। X1 सिलेक्ट हो गया है, फिर X2 को सिलेक्ट करने के लिए तीन बार फेस करना पड़ेगा, फिर ऑफ करना है। सिंगल फेस में ऑफ होता हो जाता है, ऑफ हो गया। फिर तीन बार X2 को सिलेक्ट करने के लिए, एक दो तीन। X2 सिलेक्ट हो गया है, उसके बाद X3 सिलेक्ट करने के लिए चार बार प्रेस करना पड़ता है। ऑफ करने के लिए एक, ऑफ हो गया है, एक दो तीन चार। अभी लूज कनेक्शन की वजह से ऑफ हो गया पूरा सर्किट, देख रहे हैं कि ऑफ कंडीशन में चला गया। ऑन करता हूँ दोबारा, ऑन हो गया है। X3 को सिलेक्ट करने के लिए चार बार प्रेस करना पड़ेगा, 1 2 3 4। लूज होने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। X3 को सिलेक्ट करने के लिए चार बार, एक दो तीन चार। X3 सिलेक्ट हो गया है। अभी ए वाला जो आउटपुट है, ये बफर आउटपुट है, एम्पलीफाई करके इधर से एम्पलीफाई होके इधर आ रहा है। मैंने LED यूज़ किया। आपको उस सर्किट जब बनाना है तब रिले यूज़ करना है। मैंने रिले यूज़ नहीं किया, मेरे पास रिले नहीं है, इसलिए हम LED से इसको इंडिकेट किया। ये ओवरऑल सर्किट एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, IC की तरह है। IC फॉर फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। इस IC बहुत ही बड़ा हो गया, क्योंकि इसमें यूज़ करने वाला हर कंपोनेंट बड़ा है, इसीलिए सर्किट बड़ा आ गया। लेकिन अभी का दिन में एक एक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर लाखों ट्रांजिस्टर होता है। अभी एक छोटा चिप में मेरा सिर्फ 30 ट्रांजिस्टर है। अगर ये ऑप एम्प यूज़ ना करते तो 60 ट्रांजिस्टर आई थिंक यूज़ होता,
तो 60 ट्रांजिस्टर का अगर एक आईसी बनता तो बहुत ही छोटा होता, अगर नैनो साइज का ट्रांजिस्टर होता तो। तब इसमें बड़ा है इसलिए सर्किट बड़ा हो गया, सर्किट कॉम्प्लेक्स है लेकिन एक्सप्लेन करने करूँगा जब तब पूरा पता चल जाएगा। सर्किट बहुत ही इजी है, इसमें 30 ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया है और ये वाला आईसी टाइमिंग एंड कंट्रोल के लिए मैंने एक ऑफ एम्प को यूज़ किया LM358 आईसी का। अब चाहे उधर वो 324 वाला 3324 आईसी भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मेरे को दो ऑफ एम्प का रिक्वायरमेंट था इसलिए मैंने छोटा सा ही LM358 का यूज़ किया। अभी देखते हैं इसको यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं और इसका पिन डायग्राम देख लेते हैं। ए वाला आईसी का इंटीग्रेटर सर्किट का ये पूरा ओवरऑल सर्किट का इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का आईसी के फॉर्म में मैंने लिख दिया ताकि हर एक पिन हमको इजीली समझ में आए। इसका मिनिमम वोल्टेज है 5 वोल्ट देना ही होगा आपको नहीं तो काम नहीं करेगा। ग्राउंड है, ये दोनों पावर सप्लाई हैं। एक की है, ये पावर और फंक्शन का की है, एक ही की है, एक ही की से पूरा सर्किट ऑपरेट होता है। इसका पिन नंबर मैंने 3 लिख दिया, वैसे भी ऐसे 1 2 3 4 नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है तो लिख दिया ऐसे, नंबरिंग कर दिया ऐसे नंबर और कुछ नहीं। 4 है ब्लिंकिंग के इंडिकेशन के लिए, उस सर्किट में ब्लिंकिंग इंडिकेशन था तो आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं ब्लिंकिंग इंडिकेशन के लिए, नहीं तो नहीं भी, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। ए इंडिकेटर और पावर ऑफ का इंडिकेटर, इधर पावर ऑफ इंडिकेटर, ये आपके लिए छोड़ते हैं, ये दोनों दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ इंडिकेशन दे भी सकते हैं, ब्लिंकिंग इंडिकेशन दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते चलेगा। ये ब्लिंकिंग और सी में क्या है, C6 और FX, ये एक जम्पर पिन का है और इस सी को इसके साथ कनेक्ट कर दो तो जो इंडिकेटर है ए वाला जो इंडिकेटर फंक्शन इंडिकेशन है ये ब्लिंक करेगा, ब्लिंक करेगा। अगर इसके साथ मैंने कनेक्ट किया तो ए वाला इंडिकेशन फंक्शन वाला इंडिकेशन फिक्स कंडीशन में रहेगा, स्टेबल कंडीशन में रहेगा, ब्लिंकिंग नहीं करेगा। ये दोनों इफेक्ट हैं आपके लिए, यूज़ कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। अगर यूज़ नहीं करेगा तो आपका 3 ट्रांजिस्टर बच जाएगा, वो वाला पोर्शन आप ब्रेक कर सकते हैं ब्लॉक, मतलब यूज ना करें तभी चलेगा। तो X1 X2 X3 इंडिकेटर आउटपुट है इंडिकेशन के लिए। X4 पावर इंडिकेटर है जो ऑन कंडीशन में चलता है। X5 जो है ये पावर इंडिकेटर है जो ऑफ कंडीशन में चलता है। बाकी R1 R2 R3 R4 ये फंक्शन आउटपुट है। R1 जब आउटपुट होगा तब ए वाला इंडिकेटर ब्लिंक करेगा, जब R2 आउटपुट में आएगा तब 2 इंडिकेटर ब्लिंक करेगा, अगर X3 इंडिकेटर ब्लिंक करेगा तब X3 सिलेक्ट होगा, और R4 और R5 ये पावर के इन आउटपुट हैं, ये पावर ऑन है, पावर ऑन, इसमें रिले लगाना है आपको, पावर ऑफ है 5 वाला, अब दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, यूज़ कर सकते हैं नहीं भी कर सकते। तो अब देखते हैं इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम। देखिए मेरे को इस टाइप का सर्किट रिक्वायरमेंट क्यों है, मैंने इसको क्यों बनाया मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले ये सर्किट कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है वो हम देख लेते हैं। स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर यूज़ कर सकते हैं, डोल स्टार्टर में भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल फेज में स्टार में जाएगा, फिर मतलब
डबल फेज में देखिए एक सौ को सिलेक्ट करने के लिए दो बार प्रेस करना पड़ेगा, यही टाइम है, इतने टाइम में करना पड़ेगा। एक वन को सिलेक्ट करने के लिए दो बार प्रेस करना पड़ेगा, एक्स टू को सिलेक्ट करने के लिए तीन बार प्रेस करना पड़ेगा, एक्स थ्री को सिलेक्ट करने के लिए चार बार प्रेस करना पड़ेगा। और लॉन्ग प्रेस करने के बाद सर्किट ऑन और ऑफ होता है, और ये वाला फंक्शन को ये फंक्शन जो R1 R2 R3 है इसको सिर्फ ऑफ करने के लिए एक पल्स ही काफ़ी है, ठीक है। और ओवरऑल सर्किट को ऑफ करने के लिए लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा ताकि पूरा ऑफ हो जाए, ठीक है। ये वाला की का फंक्शन था, स्टार्ट डेल्टा डोर स्टार्टर में यूज़ कैसे करें देखिए। स्टार में करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम यह है कि उसमें लैचेस यूज़ नहीं किया है, मैंने लैच यूज़ करना पड़ेगा उसमें, उधर लैच नहीं है, तो स्टार डेल्टा में काम कराने के लिए लैच को यूज़ करना पड़ेगा। तो बाद डोल स्टार्टर में यूज़ कर सकते हैं। डोल स्टार्टर में कैसे, डबल प्रेस में फॉरवर्ड में मोटर चलेगा, देन सिंगल प्रेस में ऑफ हो जाएगा, फिर स्टीपल पल्स में रिवर्स में घूमेगा मोटर, देन सिंगल पल्स में ऑफ, ठीक है। अभी चल रहा है मोटर, मतलब ये वाला पद चला जाएगा उस टाइम। हाउस वायरिंग में क्या कर सकते हैं, हाउस वायरिंग में लॉन्ग प्रेस करेंगे तो घर का लाइट ऑन हो जाएगा लॉन्ग प्रेस करने के बाद। फिर अभी मान लीजिए 5 पिन को सिलेक्ट करना है तो उस टाइम आपको दो बार पल्स देना है तो आपका 5 पिन सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप चाहे तो फैन को भी चलाना है तो फैन के लिए तीन बार प्रेस करना पड़ेगा। इस टाइप से अभी हर एक लैंप को हाउस वायरिंग में एक की मदद से आप ऑपरेट कर सकते हैं। एम्पलीफायर में यूज़ कर सकते हैं कैसे, जब लॉन्ग प्रेस करेंगे पूरा एम्पलीफायर आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एम्पलीफायर में होता है ऑक्स टीवी एवी यूज़ भी बहुत सारे इनपुट होता है, तो हर एक चीज़ को आप इंडिविजुअली सिलेक्ट करने के लिए अब एक सिंगल की का यूज़ कर सकते हैं, तो आपका डिवाइस थोड़ा सा अच्छा लुकिंग अच्छा होगा। मैं दिखा देता हूँ, लास्ट में दिखाऊंगा वो वाला वीडियो। तो लॉन्ग फेज में आपका एम्पलीफायर ऑन हो गया है, फिर ऑक्स को सिलेक्ट करने के लिए दो बार प्रेस कीजिए, ऑक्स सिलेक्ट हो जाएगा। मान लिया अब माइक को सिलेक्ट करना है तो माइक के लिए तीन बार सिलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा ये इसको ब्लूटूथ जो होता है उसको सिलेक्ट करने के लिए आपको चार बार सिलेक्ट करना है तो ये हो जाएगा आपको। अगर इसको माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ करें तो उधर एक अच्छा फीचर्स मिलेगा आपको इस सर्किट से, अच्छा एक फंक्शन मिलेगा, इंटरप्ट को कंट्रोल कर सकते हैं आप इस सर्किट को यूज़ करते हैं करके। लॉन्ग फेस के आप कमांड को माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर ऑन हो जाएगा, देन आप इंटरप्ट जो एक्सटर्नली इंटरप्ट होता है उसको आप ऐसे ही डबल प्रेस ट्रिपल प्रेस फोर प्रेस करके आप हर एक इंटरप्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं आपके हिसाब से। और भी आपका आइडिया जैसा होगा आप क्या ये सर्किट कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपका आइडिया कैसा है, आपका एक्सपीरियंस आपका नॉलेज एक्सेट्रा आपके ऊपर है। तो मैं किस लिए इसको बनाया वो मैं दिखा रहा हूँ। एक ब्लॉग वाला वीडियो में मैंने कहा था मेरे पास वॉइस रिकॉर्डर का अच्छा वॉइस साउंड क्वालिटी का कुछ भी नहीं है, तो एक माइक के लिए मैंने बनाया, दिखा देता हूँ आपको। ये वाला पोर्शन अभी बार फिटिंग नहीं हुआ पूरा, जस्ट अभी बनाया, कैबिनेट पूरा रेडी हो गया, कलर करना बाकी है, दो खाली पोर्शन है इसको ढकना है, अभी रेडी नहीं हुआ, दिखा देता हूँ जस्ट। देखिए बॉटल में इस टाइप का छिपी आपको मिल जाएगा, इस छिपी मिडिल पोर्शन में हमने वॉल्यूम लगा दिया, इसका बहुत सारा नाम भी है, कोई वॉल्यूम कहता है, कोई वीसी कहता है, कोई पोटेंशियोमीटर कहता है,
ठीक है, बहुत सारे नाम हैं, तो इस तरह से लगा देना है। उसके बाद आपके मनपसंद कलर का एलईडी लगा देना है, ठीक है। लगाने के बाद पूरा सेल्डिंग करना है। इस हर एक एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल मैंने कॉमन कर दिया और बाकी जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमने एक एक कलर वाइज निकाल दिया। एक ग्रीन एलईडी के लिए, ए रेड एलईडी के लिए और ये ब्लू एलईडी के लिए, ये वाला कॉमन है, पॉजिटिव कर दिया। फिर देखते हैं इधर लगा के, ठीक से अच्छे से फिट हो गया। उसके बाद नॉब को लगाना है। एलईडी के खोल दिया ताकि उसको हम कनेक्ट करेंगे। वो वाला येलो वाला इंडिकेटर खोल के मैंने ये कनेक्ट कर दिया। अभी देखते हैं कैसा लग रहा है सर्किट को। लॉन्ग फेस बहुत ही लूज, ऑन हो गया, देख रहे कैसा लग रहा है। देखिए मैं दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है लुकिंग। अब करना है तो सिंगल बार मार देंगे तो ऑफ हो जाएगा। दिखाऊंगा इसको पूरा बना के। अभी सिर्फ इस सर्किट का भी अभी पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, सिर्फ आज यूज़ क्या क्या है, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, बेसिक डायग्राम का, डायग्राम का मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी एक्सप्लेनेशन और भी एक चैप्टर में क्लोज कर दूंगा पूरा, ठीक है। तो देखते हैं कैसा लग रहा है लुकिंग। एक तो देखिए दोस्तों ब्लिंक कर रहा है, फिर ऑफ, तीन, एक दो तीन, ब्लू जल रहा है, ऑफ चार बार, एक दो तीन चार, नहीं गलत हो गया, एक दो तीन चार, रेड जल रहा है। अब ये जो जंपर वाला सीन था हम उसको शॉर्ट कर देते हैं ताकि ये फिक्स चले। अभी फिक्स चल रहा है, देखिए ये बड़ा वॉल्यूम है, एक दो फिक्स जा रहा है। देखिए लुकिंग बहुत ही अच्छा है, बहुत हॉट लग रहा है सर्किट को। फिर आप एक दो तीन ब्लू, फिर चार, एक दो तीन चार, लाइट को ऑफ करके दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, लगेगा हमारा प्रोजेक्ट। हेलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें सर्किट कैसा लगा है मेरा, ठीक है। और भी एक्सप्लेनेशन बाकी है, ठीक है, दोस्तों को भेजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट जिस तरह से मिलता रहेगा आपका, हमारा सर्किट प्रोजेक्ट उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए दोस्तों अभी चलते हैं, 10:11 बज गया है। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। ऑफ कर देता हूँ, लॉन्ग प्रेस, ऑफ इंडिकेटर जल गया दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।